नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं रेबिका। आइए देखते देश और दुनिया की सुर्खियों। बिदर में कोरोना के नए 291 मामले, 5 डिस्चार्ज और कुल सक्रिय 1078 मामले। कर्नाटक राज्य में कोरोना के नए 40,499 मामले, डिस्चार्ज 23,209, मृत 21 और कुल सक्रिय 276,650 मामले। देश में पहली बार पिछले 24 घंटों में 3 लाख कोरोना के नए मामले। महाराष्ट्र में आज आए कोरोना के 43,669 नए मामले, ठीक हुए 46,591 मरीज। दिल्ली NCR में और 5 दिनों तक चलेगी शीतलहर, 23 जनवरी तक बारिश के आसार। गुरुग्राम में मिट्टी की खुदाई के दौरान हादसा, 2 लोगों की हुई मौत। पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। यूपी इलेक्शन, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। आसाम में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि, एक दिन में 8,339 नए केस आए सामने। तमिलनाडु में बीते 24 घंटों में कोरोना के 26,981 नए मामले, 35 लोगों की हुई मौत। लता मंगेशकर की अभी भी ICU में, डॉक्टर ने कहा ठीक होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सूरत डाइंग और प्रिंटिंग मिल में लगी भीषण आग से जोरदार धमाका, फायर ब्रिगेड मौके पर। पाकिस्तान तुर्की की एक और चाल, ब्रिटेन से भारतीय गृह मंत्री और सेना प्रमुख की गिरफ्तारी की मांग। गोवा भाजपा को एक और झटका, विधायक विलरेड ने छोड़ी पार्टी, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। लेंसी व्हाइट नाम की लड़की का कहना है वो साल भर में 10 लाख रुपए सिर्फ दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा देती थी, जब उसे ये बात महसूस हुई तो उसकी जिंदगी बदल गई। पिता को तालिबान ने मार दिया था, बेटी ने छोड़ा देश, आज डॉक्टर बनकर किया नाम रोशन। कोई पेड़ पर चढ़ा तो कई टीम से उलझा, वैक्सीनेशन को लेकर बलिया में जबरदस्त ड्रामा। यूपी चुनाव, कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, 40 में से 16 महिला कैंडिडेट। छत्तीसगढ़ मुठभेड़ के बाद इलाकों की सर्चिंग जारी, बुधवार को मारी गई थी महिला नक्सली। उज्जैन के कॉलेज में प्रिंसिपल प्रोफेसर के बीच चले लात घुसे, स्टाफ ने किया। केपी एक्सप्रेस में आज इतना है, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।